अरे जख्म तूने दिया है हमें तो, अरे हाथ में काम आ सकता है ना, मुझे हाथ में ऐसी लग गई है। और बता। हाँ सब ठीक है, बढ़िया से बोल। अच्छा अच्छा चाले चाल मटकती तू ते कटन चली जवार तेरे ते भी देख रहा मौसरी फिर फटको दाको पेट सवेरे से दसमी बार टट्टी करवे आ रही तेरी कसम दाको आज को ना है जी तो था जनानी मोहल्ला में ऐसी जिन्हें रोज दस दस बार जाना रोज तेरी कसम ठीक है रहो दस दस बार सुबह सामने चलती रहती है डिब्बा उठा के सीधे खांगी सोच सोरे चल भैया खेत खांगी सोच सोरे चल भैया खेत ठीक है रहो ठीक है रहो बात सही है तो पूरा दिन देखा तेरे दुनिया बैठो बैठो यार। हाँ सही बात है देखो तो कहा समझ रहे तू देखो देखे तो सही बात है। पापा जी तुम्हारी ऐसी तैसी चाचा तुम्हारी ऐसी तैसी कहा के रोजे अरे कहा का रोज ना पापा तुम गलत सोच रहे हो तुमने मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया हो ना तो इंग्लिश मीडियम में ऐसी तैसी का मतलब होता नमस्ते पापा जी। हाँ अच्छा अच्छा वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ ना अच्छा बेटा आस्ता सी बेटा आस्ता सी ठीक है पापा खा समझ रहा मेरे थोड़ा पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंटी जानते हैं मेरे थोड़ा अव्वल नंबर पहले नंबर पे आता मैं इसको 33% बना ही पहला नंबर है बहुत बढ़िया आ रहे अच्छा अरे भैया प्रेशर 15 में तो बहुत तेज दही में बैठ जा रहा हूँ कितने बराबर में दही में बैठ जा रहा हूँ को मेरे खेत में ही बैठो है चाटू राम दिखे और रुक जा बूढ़े रुक जा मेरे खेती मिलो तो बैठने को रुक जा तेरे चाटू राम है मारो रुक जा रुक जा भाग का रहो रुक जा रुक जा आप कहाँ भाग रहे हैं नहीं सास को थोड़ा छूट रहा है खेत में ही बैठ जाएंगे मेरे खेत दिखाई दे दो तुम्हें मेरी सास को ना सरकार से 15,000 रुपया मिले उनमें तो कंडा भर रखे शौचालय में कंडा भर रखे घर में मेरी सास को बनवा खड़ी करवा दी एक लेटरिन बननी घर में कंडा भरने को रहते मेरी सास के सारा खेत में दिखाई दे भागो चलो यार और वो पापा टट्टी लग रही है जल्दी टट्टी करने जा रहा हूँ दही में करा को बैठे जा खेत में चलो खेत में कर काय को बनवाई पड़ी तुमने दादा बोलवा दू काय को बनवाई है हैं कल कुछ टैंक बचा बजा खाली करवा चलूंगा मैं सीधे भाग चलो जा मैंने तो तेरी मम्मी के मार बनवाई भार करके भैया टैंक भर जा कहाँ चलाऊंगा उसने पैसा तू बता है भैया खाली करवा तो डोलूंगा फिर मैं बेटा घर की लुगाई लुगाई बाहर न जानी चाहिए और तू तो मध्यमान से तू तो चलो जा बाहर का दिक्कत आ रही है पापा लुगाई लुड़ीन की बात कर रहे थे एक बात मैं भी को बुरा न माना था ना बुरा न मानना बता वो हमारे गाँव की सबरी छोरी है टट्टी करने के बहाने दूसरे गाँव के छोरन से मिलने जामे हम तो कोई सेटिंग न कर रही है अरे तू तो बाप की इज्जत बिल्कुल ही भूलो रे अच्छा आप बाप की शर्म कह रहे हो जब रात में खाट में पड़े पड़े बस पस पचाजित करते रहते पुच 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 पुची दे जब ना है वैसे करो मजाक करो बेटा खूब कोई बात ना बेटा कोई बात वो बेटा बाहर मत जाओ दही में कर ले और सुने
हम मम्मी से मत कही है ना, हम 20 रुपया ले जी बाद अभी दे फिर ला अभी ले वो बड़े बार कमरा रखते खाले में रखेंगे अखबार के नीचे 20 रुपये रखें निकाल लीजिए इधर। ठीक है निकाल लूंगा। अरे सगन का कह देते हैं चाटू रानते हैं वो बाबूजी चाटू राम खेत में बैठो डिब्बा लेके मैं पीछे पर को आके और ससुर के बाकी टेंट यहाँ पे लात रख देते ससुर की पे माप देते ससुर के दम से मो बुला ले तो ना तो तू ऐसी समझ रहो है तू मो बुला ले तो वो बाबूजी का शरीर है तो देख लो शरीर है तो शरीर की बात कर रहे हो तो का कह रहे हो आज से 4 साल पहले 5 साल ज्यादा बड़ो टाइम ना भाई 4 चोटा है गांव में पलिया पे हैं इतनी बुरी बुरी तरह से बम्बी तक भगाए इतनी बुरी मार मार में ना अकेले एक लट्ठा थी नहीं समझ रहे हो तू। हाँ हाँ पता हमें बहुत बड़े लट्ठे थे तुम बहुत बड़े ऐसी समझ रहो तू ऐसी समझ रहो तू ऐसी समझ रहो है अब तो जा शरीर देख ले एक हाथ में सीधो कर दे कोई तुम एक हाथ में हो तो देख लिया सुधर के आता तू ही लड़ ले आता तू ही लड़ ले आता और काजे करो आ जाना मैदान में तू करिया आता हम तो बात कर रहे हो लल्ला सुने सगन बरोना पे और जाए सारे जलांगे ऐसे ऐसी बात करेंगे हम ठीक है आजा। तो बेटा 15 लाख रुपया बीघा खेत में को 3 बीघा कितने को है गो 50 लाख 50 लाख ओए ओए लक्ष्मी चंदन ने रुकियो मुझे सुनाए क्या रहा ना तू है हमें गाय को कह रहे हैं दो ही देख के हम तो हाँ बस हम बतला रहे हैं खुद लक्ष्मी चंद्रगिरी की बात कर रहा ना तू है तेरी सारे 2 पैसा की इज्जत ना तेरी 45 लाख बेको तो 100 लाख बेच लियो तू जा खेतन में बात बना रहा होगा ये लुंगाई लुंगड़ी सारे को खेतन में को सड़कन में जाके लैटिंग कर रही है और कोई 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 नहीं करके जा रहा हूँ कोई नहीं करके जा रहा हमारे सामने आएगा लक्ष्मी चंद्रगिरी की बात कर रहा हूँ हमारे सामने 2 रोटी कम खा लो पर इज्जत की खा लो ना खा रहे तुम आप लक्ष्मी चंद्रगिरी की बात हमारे सामने आके मत करो हमारे सामने मत करो मैं देख कह तो सही रहा हूँ छगन आज ही बनवा दूंगा आजा मैं लेटरिन घर में